परमेश्वर से दुआ करेंगे। पिताजी हम दुआ करते राजा मांगते हैं, आज का दिन आपने दिया है प्रभु, हर एक भाई बहन से सुन रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर आए कि दया आए, आपकी करुणा आए, आपका पवित्र वचन हर एक हृदय के गहराई में जाए, हर एक को हर एक के जीवन में आपके वचन कार्य करें और आपके वचन को सुनने के जरिए उनके अंदर परिवर्तन बदलाव और ऐसा प्रतिफल उनके जीवन में आए, ऐसा फल लाने वाले वृक्ष वो बन जाए, 100 गुना फल लाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे मैं एज़ेकियल की किताब पढ़ रहा था, सो मैंने काफ़ी सारी बातें उसके अंदर लिखी हैं, आमीन। और उसमें मैंने एक बात मेरे नोटिस में आई, वो ये है कि सबसे पहली बात तो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपना मंदिर को छोड़ा क्यों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी परमेश्वर है ना, परमेश्वर है, लेकिन उसने अपना घर क्यों छोड़ा? कभी कोई इंसान उसका घर क्यों छोड़ता है? कोई इंसान अपना घर क्यों छोड़ता है? कुछ ना कुछ परेशानी आती है, कुछ ना कुछ तकलीफ आता है, कुछ ना कुछ समस्या आती है, आमीन। सो परमेश्वर ने अपना घर क्यों छोड़ा? हालेलुया, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ आई, आमीन। सो जब मैं पढ़ रहा था ये किताब तो मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने अपना घर क्यों छोड़ा। हालेलुया, कि ध्यान देखना चाहते हैं आज कि परमेश्वर ने अपना घर, जो सुलेमान का जो मंदिर है, सुलेमान के जरिए बनाया गया, उस मंदिर को परमेश्वर ने क्यों छोड़ा? हालेलुया, आमीन। और एक बार नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने 2 बार छोड़ा, हालेलुया, यानी 2 बार वो मंदिर टूट गया, एक बार टूटा फिर बना, फिर टूटा फिर बना नहीं, अभी 3री बार जब बनेगा पता नहीं कब बनेगा, हालेलुया, और कैसा बनेगा और क्या बनेगा, आमीन। लेकिन आज हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर अपने मंदिर से क्यों चले गए और क्या करने से हमारे घर से भी चला जाएगा, आमीन। बोलो हालेलुया, कितने चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में बनी रहे, हालेलुया। सो बाइबल में कुछ बातों को दर्शाया गया है, कुछ बातों को दिखाया गया है, अगर हम परमेश्वर ने खुद वहां पर बताया। सो आज हमारा ध्यान होगा एज़ेकियल की किताब 8वां अध्याय, बहन पढ़ेगी 8वां अध्याय से, एज़ेकियल चैप्टर 8 हम लोग आज देखेंगे बहुत ध्यानपूर्वक कि परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर से क्यों गई। एज़ेकियल 8वां अध्याय पहला वचन, फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। तो एज़ेकियल को परमेश्वर का रूप दिखाई दिया, हालेलुया, लेकिन वर्णन के बाहर था, आमीन। तो उन्होंने बताया आधा तो आग के जैसा दिख रहा था, आगे झलकाई हुई पीतल के जैसे वो चमक रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर कोई भी काम करते हैं अपने दासों को बताए बिना नहीं करते हैं, हालेलुया, द लॉर्ड गॉड डज नथिंग अनलेस फर्स्ट ही रिवील्स हिज विल टू हिज सर्वेंट्स, हालेलुया, द प्रॉफिट्स, हालेलुया, अपने दास दासियों को अपनी इच्छा वो बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ। बोलो हालेलुया, कितने जानना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा ऐसा। तो परमेश्वर के साथ आप दोस्ती बने रहोगे तो परमेश्वर समय समय पर आपसे बात करते रहेगा, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर एज़ेकियल भविष्यवक्ता था, वो बेबीलोन के अंदर था, आमीन। कहाँ थे वे? बेबीलोन बोल के जो गांव है उसके अंदर वो थे, बेबीलोन के अंदर, जहाँ पर उन्हें
और कई लोगों को वहाँ पर गुलाम बना के लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहाँ भी आ जाएंगे, परमेश्वर इंडिया में भी आ जाएंगे। हालेलुया। अगर एज़ेकियल को मिलने के लिए बेबीलोन गए तो आपके मिलने के लिए नालासोपारा भी आ जाएंगे। एक बच्ची आज ही गवाही दी सुबह की मीटिंग में कि यीशु मसीह मेरे सपने में आए, लेकिन मैं उनसे चुपकर भाग रही थी, तो यीशु मसीह मेरे नज़दीक आके बोले, भाग मत, हालेलुया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हालेलुया। तो वो लड़की बोलती है, मैं कभी कभी चर्च में आती थी, इसलिए मतलब मैं भाग रही थी परमेश्वर से दूर, इसीलिए यीशु मसीह मेरे सपने में आए। बोला, भाग मत, नालासोपारा में। उसने ऐसा देखा, यीशु मसीह नालासोपारा में और वो भाग रही थी। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु सच्चा है, आमीन, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं आज कि कैसे परमेश्वर एज़ेकियल जो भविष्यद्वक्ता है उनसे बातें करते हैं, बेबीलोन के अंदर उनको दिखाते हैं कि यरूशलेम परमेश्वर का जो मंदिर है उसमें क्या होने वाला है। देखिए आगे बढ़ते हैं। उसने हाथ सा कुछ बढ़ा कर, हाँ, मेरे सिल के बाल पकड़े। हाँ, परमेश्वर थोड़ा गुस्से में थे। बोलो गुस्से में थे। गुस्सा एज़ेकियल के ऊपर नहीं था, गुस्सा यरूशलेम के निवासियों पे, इज़राइल की सारी उनकी जो प्रजा जो उनको मानती है। आमीन। परमेश्वर उन पर गुस्सा नहीं करते हमेशा जो उसको नहीं जानते। आमीन। परमेश्वर उन पर गुस्सा करते हैं जो उनको जानकर भी अनजान बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसको जानकर भी क्या बनते हैं, अनजान बनते हैं, उनके ऊपर वो गुस्सा करते हैं। आमीन। सो यहाँ पर परमेश्वर गुस्से से आए, एज़ेकियल के बाल पकड़े। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसके शरीर को नहीं उठाया, उसका आत्मा को उठाया। हालेलुया। आमीन। उसका शरीर उधर ही था, ये दर्शन में ऐसा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको लेके यरूशलेम चले गए। हो सकता है वो वहाँ पर घुटने पर ही है अपने घर में बेबीलोन में, लेकिन परमेश्वर उसको यरूशलेम परमेश्वर के भवन में लेके गए। आगे। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर, हाँ, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश से बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है। मेरे भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लोकेशन भी बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा था। परमेश्वर क्या बता रहे, लोकेशन बता रहे। एज़ेकियल भविष्यद्वक्ता बता रहे कि कौन से फाटक के पास किधर मुझे लेके गए। आमीन। और उस फाटक के पास लेके गए जिसका मुंह कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में। आगे। और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, हाँ, जिसके कारण देश उपजता था। फिर वहां इज़राइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था, हाँ, जैसा मैंने मैदान में देखा था। एज़ेकियल भविष्यद्वक्ता ने उसके पहले भी परमेश्वर का दर्शन देखा था। हालेलुया। और वो बोलता है, जैसे मैंने पहली बार देखा था, इस बार भी उसी तरह परमेश्वर का जलवा मुझे दिख रहा था। आमीन। बोलो हालेलुया। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने मंदिर से गया क्यों। आमीन। आगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से बात करता है, हे मनुष्य की संतान। हालेलुया। ऐसे किन से बात करते, ऐसे बहुत डर गया। आगे। अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख, हाँ, अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डा उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र भवन के अंदर मूर्ति का पूजा हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब वहां जितने याजक लोग थे, जितने लोग लेवी लोग काम कर रहे थे, हालेलुया, उन लोग की भी मिली भगत थी। बोलो मिली भगत थी ना, कि
क्योंकि परमेश्वर के भवन के अंदर इस जगह पर जो लोकेशन बताया वहाँ पर इन्होंने एक प्रतिमा बिठाई थी अन्य देवता की, बोलो अन्य देवता की, और उसकी उन लोग आराधना कर रहे थे यहोवा के मंदिर में। आमीन। परमेश्वर ने निकलने से पहले, बोलो निकलने से पहले, बाजू वाले को बोलो वहां से निकलने से पहले अपने भविष्यदत्ता को बताया कि मैं क्यों निकल रहा हूं यहां से। हालेलुया, किधर को समझ में आ रहा है? आमीन। बोलता है परमेश्वर को, देखो पाप है, सब लोग पाप करते हैं, एक पाप है हम इंसान के विरुद्ध करते हैं। हालेलुया, झूठ बोलते हैं और कुछ भी उसके बारे में, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, जलन रखते हैं, ये करते वो करते, वो एक पाप है। दूसरा पाप है जो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। आमीन। यानी उसको छोड़ के जब हम और किसी की आराधना करते हैं ये परमेश्वर की नज़र में बड़ा पाप हो जाता है। हालेलुया, इसके लिए उसको टॉप में रखा है। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है लेकिन सबसे टॉप में क्या है? ऐसा बोला है क्या आप पड़ोसी से ठीक रहे ना? नहीं, सबसे टॉप में लिखा है तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मुझे छोड़ और किसी को क्या नहीं मानना, अगर यही हमने खत्म कर दिया फिर हम सबसे प्यार करेंगे, सबसे अच्छे से रहेंगे, कुछ फायदे का नहीं। यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड। हालेलुया, आमीन, यू आर फिनिश्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फिर आप कितना भी प्यार करो किसे, किसे कुछ करो, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है परमेश्वर की नज़र में, कुछ मतलब नहीं बनता। आमीन। दुनिया के लिए आप बड़े होंगे लेकिन परमेश्वर की नज़र में आपका कोई वैल्यू नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपके फिर अच्छे काम आपको नहीं बचा पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि जो परमेश्वर है जिसने दुनिया बनाई सबसे टॉप प्रायोरिटी उसकी आराधना हमको करना है। हालेलुया। तो ये जो लोगों ने वहाँ पर कोई और भगवान की प्रतिमा उस परमेश्वर के भवन में यरूशलेम में था उसके, हालेलुया, आगे इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊँ, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। आमीन। बोलता है इज़राइल का घराना क्या है घृणित काम कर रहा है ताकि मैं उनके इस भवन से दूर हो जाऊं। बोलते हैं लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं यहां से चला जाऊं। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर, बोलो धर्मी परमेश्वर है, कभी भी गलत काम नहीं करता। बोलो गलत काम नहीं करता, यानी वो वहां से निकले परमेश्वर तो कारण था, ठोस सबूत था। हालेलुया। इसके लिए उन्होंने एज़ेकियेल भविष्यद्वक्ता को बताया देख ये मेरे भवन में क्या हो रहा है। बोलता है इतना ही नहीं तेरे को और कुछ दिखाता हूं। बोलो हालेलुया। बोलता है इतना ही नहीं और भी है, आगे हम बढ़ते देखो। तब वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया, आंगन के द्वार पर परमेश्वर का आत्मा उनको लेके गया, आगे। और मैंने देखा कि द्वार में एक छेद है, तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान दीवार को फोड़। उसने कहा हे मनुष्य की संतान दीवार को क्या कर दे, फोड़ दे। एज़ेकियेल को बोला दीवार को फोड़, दीवार में एक छेद है, सीक्रेट दरवाजा है, सीक्रेट एंट्री है, गुप्त, आगे। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ा, दीवार को फोड़ा मैंने, बोलते हैं आगे। और क्या देखा, एक द्वार है। क्या देखा, उस वो जो होल था दीवार में उसके पीछे एक द्वार है, एक दरवाजा है। हालेलुया, आगे। और उसने मुझसे कहा भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। बोलते हैं एज़ेकियेल को परमेश्वर ने बताया भीतर जाके देखो, अंदर जाओ। आमीन। अंदर क्या तमाशा चल रहा है देखो, परमेश्वर का बहुत बहुत बड़ा था। हालेलुया। 25 एकड़ के ऊपर जमीन पे वो बनाया गया था। हालेलुया। उसमें बहुत सारे कमरे थे, बहुत सारे रूम्स थे, याजक लोग के लिए, इसके लिए भेंट रखने के लिए, ये रखने के लिए, वो रखने के लिए, अलग अलग
डिपार्टमेंट्स थे। सुलेमान राजा ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसको बनाया था। हालेलुया, सुलेमान ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसको बनाया था, अच्छे तरीके से सोच समझ के। उनका काम एकदम परफेक्ट था, आप जानते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था। हालेलुया, लेकिन जो है वहाँ पर वो कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि एज़ेकियल बोलते हैं, मैंने भीतर जाकर देखा चारों ओर की दीवार पर, चारों दीवारों पर, उस रूम के अंदर चारों दीवारों पर, परमेश्वर के भवन के अंदर ही रूम है, उसमें चारों दीवारों पर क्या है, जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं, जाति जाति के रेंगने वाले जंतु, उनका पिक्चर बनाया, डिजाइन बनाया उनका, और घृणित पशु, घृणित पशुओं, और इसराइल के घराने की सब मूर्तों को चित्र खींचे हुए हैं। इस इसराइल के घराने की सब मूर्तियों का क्या किया हुआ है, चित्र खींचे हुए, और इसराइल के घराने के पूर्णिय में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापन का पुत्र याजनिया भी है, एक याजक का पुत्र भी है, आमीन, और 70 बुजुर्ग लोग है। आगे, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं। हाँ, अपने हाथ में धूपदान लेके वो पिक्चर को क्या कर रहे हैं, धूप चढ़ा रहे किधर, परमेश्वर के भवन के अंदर सीक्रेट चैम्बर में। बोलो हालेलुया, कितने को मालूम है परमेश्वर क्यों गया, अभी मालूम पड़ रहे ना, हालेलुया। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर चला गया, आपको मालूम है जब एलिया ने प्रार्थना किया था उस भेंट के ऊपर, तो स्वर्ग से आग आई थी, कितने को मालूम है, हालेलुया, स्वर्ग से क्या आई थी, वैसे ही जब परमेश्वर का मंदिर पहली बार बनाया, सुलेमान ने अर्पण किया, तभी भी स्वर्ग से आग आई थी, हालेलुया, तभी भी आई थी, हालेलुया, और परमेश्वर की उपस्थिति उधर आई थी, आमेन, और उस दिन पूरा धुआं 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 से परमेश्वर का मंदिर भर गया, शकीना ग्लोरी जिसको बोलते हैं हम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यानी परमेश्वर साक्षात उस भवन में उपस्थित रहते हैं, आमेन। लेकिन यहां पर परमेश्वर देखा क्या कर रहे, ऐसे सारे पिक्चर, सारे जंतुओं के, सारे ऐसे पशुओं के पिक्चर बना के उसको धूप चढ़ा रहे थे, हालेलुया, यहोवा का नाम किधर भी नहीं था। हेलो, किधर को समझ में आ रहा है, क्यों परमेश्वर चला गया, मालूम पड़ रहा है, किधर को मालूम पड़ रहा है, तो आप भी ऐसा कुछ करोगे कि परमेश्वर आपके घर से भी चला जाए, करोगे क्या, नहीं करोगे, नहीं करोगे, आमीन, कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में बना रहे, हालेलुया, आमीन, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके घर में बना रहेगा तो आपको आशीष देगा, आमीन। बहुत बार बहुत सारे लोग घर में नींबू लाते हैं, जूस बनाने के लिए आएगा तो अलग बात है, बांधने के लिए लाते हैं, हालेलुया, नींबू, कोयला, मिर्ची, बहुत जन घोड़े का नाल लाते हैं, बोला बहुत पावरफुल है, आमीन, बहुत जन और कुछ लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं ऊपर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, किससे बचने के लिए, जादू टोना से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, जोर से बोलो, लेकिन आपको मालूम है जब आपने लाया तो सबसे बड़ा जादू घर में लाया, जब आप घोड़े का नाल लाया ना तभी आपको जादू लग गया, जब आप नींबू लेके आए, मिर्ची, लग गया आपको जादू, आमीन, आपका घर श्रापित हो गया, जब आपने ये चीज़ लाई तो आपका घर श्रापित हो गया, अभी बचाने की बात तो दूर से, आमीन, बोलो हालेलुया। हमारे घरों पे ऐसी कोई चीज़ हमको नहीं लगानी है जो हमारी रक्षा करेगी, बोलते हैं बाइबल में लिखा है जब तक यहोवा किसी शहर की रक्षा नहीं करता पहरेदार बेकार में काम करते हैं, जब तक यहोवा तुम्हारे घर के ऊपर नज़र नहीं रखता वॉचमैन लोग क्या करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते,
यहोवा बचाएगा तो सब अच्छा है। हालेलुया। बाकी कितना भी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रहने दे, कुछ भी रहने दे, हादसा अगर होना है तो हो जाएगा। बोलो हालेलुया। और अगर यहोवा बोलेगा नहीं होना है तो चाहे कोई कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। सो इसके लिए बोलता है अनलेस द लॉर्ड वॉचेस ओवर द सिटी। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब तक यहोवा तुम्हारी निगरानी नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको और बोलना चाहिए परमेश्वर से, परमेश्वर यहोवा आप हमारे घर पे अपनी नजर रखना। हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं कि लींबू मिर्ची हमको नहीं बचाएगी, हम ये विश्वास करते हैं घोड़े की नाल हमको नहीं बचाएगी, हम ये विश्वास करते हैं काला धागा हमको नहीं बचाएगा, हमको यहोवा बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू न रात के भय से डरेगा, ना दिन को उड़ते हुए तीर से डरेगा। तेरे आजू बाजू हजारों गिरेंगे लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा। बोलो हालेलुया। ये उसके लिए जो सर्वशक्तिमान को अपना ठिकाना बनाता है, उस पर भरोसा करता है ना, साम्स 91 में बोला है हालेलुया, उसकी छाया में जो बना रहता है उसके लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो इसी दुनिया की कोई शक्तियां कोई चीजें किसी को बचा नहीं सकती। आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं। और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। पूरा धुआं धुआं से रूम भर गया है। आगे तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नकाशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधेरे में क्या कर रहे हैं? हाँ, तो देख रहे हैं एल्डर्स लोग क्या कर रहे हैं, सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में के सीनियर लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। चुपके से यहोवा को धूप नहीं चढ़ा रहे। किसको चढ़ा रहे? बाकी सब फोटो जो अंदर उसके छुपा के रखे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ वहाँ रहता क्या? वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। इन लोग यहोवा को क्या बोल रहे थे? यहोवा एडजस्ट कर लो, सबको रखते आप भी बैठ जाओ। लेकिन हमारा यहोवा बोलता है मैं हूँ और कोई नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इंसान की आदत है, प्रभु उसको भी रखता हूँ आप भी बैठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। वो काय को एडजस्ट करेगा जिसने दुनिया बनाई। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आमीन। जिसने नहीं बनाई उन लोग एडजस्ट करेंगे, लेकिन जिसने बनाया दुनिया वो नहीं एडजस्ट करेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं। वे कहते हैं कि हाँ यहोवा हमको नहीं देखता। वो लोग बोल रहे थे चुपके से रूम में, ये कर रहे थे धूप चढ़ा रहे थे, और क्या बोल रहे थे आपस में? यहोवा को क्या मालूम है इधर क्या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यहोवा ने हेजेकियल को बेबीलोन से उठा के लाया, बोला इन लोग ऐसा बात कर रहे। आज अगर आप भी ऐसा बोल रहे, यहोवा किधर देखता है? वो देखता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर देखता है। जब भी वो घर में आता है तो वो देखता है कि तुम्हारे घर में क्या है। हम लोग बहुत साल पहले एक घर में गए थे, मैं मेरी पत्नी हमारी कलिशक विश्वासी घर था, हम लोग गए थे। सो उनके घर में कुछ भी नहीं था, ऐसा सब साफ था घर एकदम। तो प्रार्थना करने का टाइम सिस्टर को दिखाया कि उनके घर में हरा हरा बांगड़ी बांध के रखा है। हालेलुया। तो सिस्टर जी ने ब्रदर को पूछा, ब्रदर हरा हरा बांगड़ी ला के रखा है किधर से? और उन्होंने भी लाया नहीं था, किसी ने उनके ऊपर जादू किया था। हालेलुया। आमीन। तो छुपा के उनके घर में, मतलब जैसे मेहमान आते हैं कभी कभी किधर ऐसे जगह पे छुपा देते हैं कि आपको मिले नहीं, ताकि आपके घर में जादू बना रहे। हालेलुया। सो इनको तो दिख रहा था है घर में,
यहोवा बता रहे थे, आमीन, लेकिन ढूंढ रहे तो मिल नहीं रहे थे। लेकिन बहुत दिन के बाद वो ब्रदर झाड़ू मार रहे थे, घर में सब साफ सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने उनका जो बड़ा कबाड़ था लोकन का, उसको थोड़ा हिलाया नीचे का कचरा निकलने के लिए। तो उन्होंने ऐसे नीचे झाड़ू मारा तो हरी हरी बंगड़ियाँ अंदर कबड़ के नीचे टेप लगा के चिपकाई होगी, वो मिली, आमीन, बहुत दिन के बाद। तो फिर वो ब्रदर बोले, हाँ गॉड ने बताया था, बराबर बताया था। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, क्योंकि गॉड तुम्हारे घर में आता है, उनकी आंखों में एक्सरे होता है, हालेलुया, सिटी स्कैन, हालेलुया, वो देख लेता है कि आपके घर में क्या है। बोलो हालेलुया, आमीन। सो देखो, तो ये बात है। और लेकिन ये लोग के पुरनी लोग क्या बोलते थे, यहोवा यहोवा देख नहीं रहा है। एक्चुअली इन लोग पाप में चलने से यहोवा ने इनको छोड़ दिया था, फिर उन लोग और गिर गए और बोलते यहोवा देख नहीं रहे, लेकिन यहोवा बिल्कुल देखता है। बोलो बिल्कुल देखता है। मेरे भाइयों बहनों, आज आपकी भी जो भी हालत है वो जानता है, लेकिन आपको बुलाया यहाँ से ऊँचा उठाने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शर्त है कि 100% साथ में चलो। मेन पॉइंट उसको 100% उसको आप उसके साथ चल रहा है। हालेलुया, कितना परसेंट, बाकी चमत्कार तो परमेश्वर के लिए है। मुंबई की भाषा में बोले तो पानी कम चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, चमत्कार वो कर देंगे। हालेलुया, आपका एलिजेंस उसको 100% चाहिए, देंगे कितने दिन देंगे, 100% परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 100% उसके साथ में चलो, चलने में आसान है, आमीन। आगे, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। हाँ, उन लोग बोलते थे यहोवा ने देश को त्याग दिया है, इसीलिए त्याग था, ये सब गलत काम कर रहे हैं। आगे, फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा। तो परमेश्वर बोलते हैं और कुछ देखना चाहता है, को क्या बोलता है और कुछ देखने का है। कभी कभी हम लोग किसका बुराई करते तो मालूम, तेरे को मालूम है ये भी करता है वो, ये भी मालूम। हालेलुया, तो परमेश्वर बोलते हैं और कुछ देखना चाहता है। सब लोग पूछेंगे एक दूसरे को, क्या आप कुछ और कुछ देखना चाहते हो बाइबल से? हाँ देखना चाहते है ना, हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर दिखा रहे, देखो चलो आगे। तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, आमेन, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तमुज के लिए रो रही थी। वहां स्त्रियां बैठ के रो रही थी, किसके लिए रो रही थी, तमुज बोल के देवता था। हेलो, किसके लिए रो रही थी, जोर से बोलेंगे, तमुज के लिए रो रही थी। क्या बोल के रो रही थी, बोलता है हमारा देवता मर गया। किसके लिए रो रही थी, परमेश्वर के भवन के अंदर। हेलो, आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के भवन के अंदर सबका अलग अलग इलाका था, लेडीज लोग एक अलग इलाके में उधर आ सकते हैं। जहाँ पर यीशु मसीह ने देखा वो विधवा ने वो अपना भेंट चढ़ाया, हालेलुया, दे कैन कम, बट उनका एक एरिया है। प्रेज द लॉर्ड, मरियम जहाँ पर गई, जहाँ पर अपने बेटे को उसने डेडिकेट किया, प्रेज द लॉर्ड। और ये उसी इलाके में किधर है जहाँ पर ये स्त्रियाँ तामूज, आगे क्या मतलब है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है, देख रहे तू, ये लेडीज लोग क्यों रो रहे हमें। आगे, फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तो देखेगा, आमीन, बोलता है और भी कुछ देखना है, ऐसे के बोला बस हो गया परमेश्वर, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितने सुन रहे हैं, कितना लेवल तक इज़राइल की संतान गिर सकती है, आमीन। जिन्होंने देखा परमेश्वर ने लाल समुंदर में रास्ता बनाया, हालेलुया, जिन्होंने देखा 40 साल तक उनको आसमान से खाना गिराया, उन्होंने देखा 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर भेजी, हालेलुया, ये सब देखने के बावजूद भी
फिर भी इनको परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस नहीं था, परमेश्वर पर भरोसा नहीं था, इसलिए परमेश्वर को उनके साथ ऐसा करना पड़ा। आमीन, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है उनको, दुनिया के बीचों बीच मैंने तुझे जगह दिया अब्राहम को, दुनिया के सारे देश आजू बाजू में है ना, आप अगर देखोगे मैप में यरूशलेम लगभग सेंटर में, लगभग प्रेज द लॉर्ड, इंडिया नीचे, अफ्रीका नीचे, ऐसा फ्लैट मैप हम बनाएंगे तो हम देखते हैं यूरोप, यूएसए सब उस साइड में, रशिया इस साइड में है, मिडल ईस्ट सब इधर है, जापान हम लोग सब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिर अफ्रीकन कंट्री सब ने घेरा है, बीच में यरूशलेम। बोलो हालेलुया, बोलते हैं मैंने तुझे दुनिया का बीचों बीच बनाया, दुनिया की शान बनने के लिए। बोलो हालेलुया, लेकिन तू क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है बात? आमीन, हालेलुया। और कुछ दिखाना चाहते परमेश्वर, आगे आगे देखते हैं। तब वो मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, हाँ, और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास और सारे, हाँ, और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्वी की ओर किए हुए थे, हाँ, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। पच्चीस लोग किसको दंडवत कर रहे थे? वाह, पूरब में देखिए परमेश्वर का पीठ दिखा के, हालेलुया, हालेलुया। किधर को समझ में आ रहा है? ये सब चल रहा था इज़राइल के अंदर नहीं, परमेश्वर के भवन में। अब परमेश्वर रहेगा क्यों? समझ में आया क्यों चला गया परमेश्वर? जब यीशु मसीह धरती पर आए, यीशु मसीह फिर वो मंदिर के अंदर यीशु मसीह भी गए, हालेलुया, और खुश होने के बदले यीशु मसीह का नज़र सबसे पहला वो कबूतर भेजने वाले पे, बकरी भेजने वाले पे गया, बोला इन लोग अंदर धंधा लगा दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके टेबल वेबल उलट दिए, फेंक दिए सब, तोड़ दिया सब, सब जानवरों को खोल के छोड़ दिया, हालेलुया। और यीशु मसीह के चेले लोग थे, इसके लिए यीशु मसीह को कोई हाथ नहीं लगाया, चेले लोग थोड़ा फॉर्म में थे तभी, आमीन, बोला धो डालेंगे सब, हालेलुया। सो कोई बीच में आया नहीं, और वो टाइम नहीं था, है ना, यहोवा भी चाहता था ये दिखाऊं मेरा गुस्सा। प्रेज द लॉर्ड, यानी यीशु मसीह के बाद जो मंदिर फिर से ढहा दिया गया, टूट गया, उसका भी कारण ये था क्योंकि परमेश्वर फिर से लगता है वही बातें उधर होने लगी, और परमेश्वर ने बोला अब बाय बाय फिर से। बोलो हालेलुया, आमीन। इसके लिए एक दिन यीशु मसीह के चेले ने बोला, बताया यीशु मसीह को, अरे पत्थर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना सोना यीशु मसीह इसके ऊपर डाला है, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। परमेश्वर बोला एक दिन आने वाला है बहुत जल्दी, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया, और यीशु मसीह की भविष्यवाणी 35 साल के अंदर पूरी हो गई, हालेलुया। यीशु मसीह जाने के 35 साल बाद, बाइबल में नहीं लिखा है क्योंकि बाइबल क्लोज हो गया, आमीन, बाइबल में लिखने वाले सब मर गए, उनके बाद 70 एडी में क्या हो गया, रोमन्स लोगों ने उस मंदिर को तोड़ा, क्योंकि रोमन्स लोग यहूदियों का झगड़ा हो गया, आमीन, यहूदी लोगों ने बगावत किया, प्रेज द लॉर्ड, जिसकी वजह से उन्होंने उसमें आग लगा दी मंदिर के अंदर, सोना पिघल के उतर गया तो सारे ईंटे पे सोने का पानी, इसलिए ईटा पे सोने का पानी है, ईटा लेके भागो, वही हो गया, हालेलुया, सब जो मिला हो ब्लॉक्स लेके भागे, एक एक पूरा सपाट हो गया, लेकिन यीशु मसीह की प्रोफेसी पूरी हो गई। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, है ना। सो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं गूगल के अंदर 70 एडी में क्या हुआ, है ना, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको हिस्ट्री, हर जमाने की हिस्ट्री इतिहास कर लोगे, भले बाइबल में नहीं लिखा है क्योंकि बाइबल तभी लिख के हो गया, आमीन, हालेलुया। और उसके बाद में जो लिखा होगा उन लोग का किताब इसमें जोड़ा नहीं है क्योंकि, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने को समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? सो परमेश्वर वहां पर नहीं रहता जहां पर उसका 100% उसकी आराधना नहीं होती है। कितनी चाहिए?
जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर बोलता है या तो वो या तो मैं, लेकिन दोनों नहीं रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बराबर ना, जिसने दुनिया बनाई वो कहता है तू 100% मेरे साथ में रहना, मुझे ही ईश्वर करके मानना, आमीन, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, दिन रात इसी में ध्यान रहना, आमीन, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू क्या करना, तब तू क्या बनेगा और तेरे सब काम क्या हो गए, आमीन। तुझे फिर कोई नहीं रोकेगा, तुझे कोई टोकेगा नहीं। बोलो हालेलुया। तो आज ये टीचिंग आप सुन रहे, मैं आपसे कहता हूँ वो महान आशीर्वाद आपके ऊपर आने वाला है। हालेलुया, आमीन। वो महान, अगर आप इस वचन पे चलोगे 100% आज से, तो दुनिया का कोई आदमी आपका हाथ पकड़ नहीं पाएगा। आपको क्या करने गए, आप विश्वास करो, परमेश्वर बोलता है ले लो। हालेलुया, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। हमको अरे कोई नहीं खड़ा रह पाएगा तो वो टेंशन मत लेना, आप परमेश्वर बोल रहे हैं आप ले लेना। यहोशू को बोला परमेश्वर ने, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा और तू प्रभावशाली बनेगा, तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब प्लान सफल होंगे। जोर से बोलो सब सफल होगे। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है भारत में एक ऐसा जनरेशन जिसको वो खड़ा करना चाहता है, आपको और मुझे। क्या आप तैयार है? आमीन। एक ऐसी प्रजा हम बनेंगे जो परमेश्वर की सामर्थ को इस देश में दिखाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हर तरीके से। ऐसा नहीं कि केवल प्रार्थना नहीं, आर्थिक रूप से भी परमेश्वर हमको आशीष देगा, आत्मिक रूप से भी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर साथ में है तो दोनों हो जाएगा। बोलो दोनों हो जाएगा, आर्थिक भी हो जाएगा, आत्मिक भी हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा साथ में है। अब्राहम के साथ में था तो क्या हुआ, आर्थिक क्या आत्मिक में अब्राहम कमजोर था? अरे परमेश्वर उससे बात करता था, कहाँ का कमजोर था। हालेलुया, क्या लेकिन आर्थिक में कमजोर था? नहीं भाई, उसके पास इतने सारे जानवर थे। हालेलुया, यहोवा का आशीष उस पर था। इसीलिए मेरे भाई बहनों, हम झूठी शान नहीं दिखाएंगे, लेकिन परमेश्वर रियल में हमको आशीष देगा। हालेलुया, जोर से बोलो रियल में, रियल 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 रियल। हालेलुया, ऐसा ऐसा नहीं कि बोलने के लिए आप बोलोगे नहीं मैं आशीर्वादित हूं। हालेलुया, नहीं, परमेश्वर आपको 100% आशीष देगा। आमीन, बोलो हालेलुया। सबसे पहला मैं ही आपको दिखाऊंगा, रोल मॉडल पहला मैं बनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आप लोग मेरा पीछा करोगे, बराबर ना, प्रेज। हालेलुया, आमीन। कितना विश्वास करते, मैं मेरा अंदर स्ट्रांग विश्वास है, आमीन, और परमेश्वर मुझे योजना भी दिखा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बस थोड़ा समय, थोड़ा समय बस। हालेलुया, परमेश्वर करेगा, सब कुछ करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सब होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसका वचन कभी न टलेगा। बोलो हालेलुया, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन, वो आपको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। मैं बोलता हूँ आपको, इसको आप प्रोफेसी समझो, हालेलुया, या कुछ भी समझो, हालेलुया, आपको परमेश्वर क्या देगा? जोर से बोलेंगे, क्योंकि हम किसके लोग हैं? अगर हमारा सब काम सफल होना है तो हमको अक्ल तो होनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो सबसे ज्यादा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बाजू वाले को बोलो सबसे ज्यादा, आमीन। क्या रहेगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दुनिया के लोग यही मानते ना कि परमेश्वर के साथ में तो तेरा सब अच्छा होना चाहिए, तो परमेश्वर करके दिखाए ये बात, वो दिखाने वाला है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तेरे साथ में है तो तेरे हर बातों में दिखने में आना चाहिए और वो दिखेगा। बोलो दिखेगा, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। सो कॉन्फिडेंट हो जाओ, खुश हो जाओ और यहोवा के साथ चलो, आमीन। बोलो हालेलुया। कितने जन आज भरोसा करते हैं? हो सकता है आप आज छोटा बिजनेसमैन है या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आने वाले दिन आपके आशीष वाले हैं। बोलो हालेलुया। आने वाले दिन आप बस प्लेन में ही जाओगे, ट्रेन में जाने का बोले मैं आप सोचोगे हमारे लिए नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले मैं भी ट्रेन में जाता था, आमीन, हालेलुया। अब प्लेन में जाता हूँ और देखता हूँ तो 12 करोड़ लोग जा रहे हैं। मैं बोला प्रभु अगर 12 करोड़ में हम विश्वासियों का नंबर नहीं तो हम लोग शर्पित हैं। साल में 12 करोड़ के ऊपर लोग प्लेन में जाते हैं इंडिया में, इंडिया के खाली, हालेलुया। तो अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम तो कौन सी कैटेगरी में आ गए फिर? किधर को समझ में आ रहा है? समझना जरूरी है, हालेलुया। बोलो हालेलुया। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके पास पैसा नहीं तो भी प्लेन में जाओ, बाद में चल के घर पे जाओ, ऐसा मत करो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो आशीष देगा, और आप प्लेन में जाओगे। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आमीन। और आप अच्छी अच्छी वस्तुएं खा पाओगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर बोलता है आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ दिस लैंड, मैं तुझे इस देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं खिलाऊंगा। क्या वो झूठा है? क्या वो सच्चा है? तो क्यों विश्वास नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? बोलो मैं करता हूं। इस देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं मैं खाऊंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर मुझे खिलाएगा या मुझे इतनी ताकत देगा, ताकत देगा, आमीन। क्या करेगा? ताकत देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे ताकत देगा, आमीन। इसके लिए विश्वास करना जरूरी है। When you say, you have to speak with authority. बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो आपको विश्वास होना चाहिए, मेरे साथ मेरा यहोवा है। एक बहन मेरे मुझे मिलने आए थे, उनको मैंने बोला, उनको संतान नहीं थी, मैंने बोला आने वाले दिसंबर में तेरे हाथ में बच्चा रहेगा। बोलो हालेलुया। क्या बोला? ऐसे ही बोल दिया, आने वाले दिसंबर, मैंने बोला, परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हुए मैंने बोला परमेश्वर इसको बच्चा दे दे और मैं बोल देता हूँ इसको अगले साल दिसंबर में तेरे हाथ में बच्चा रहेगा। दो दिन पहले उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया, उस लड़की की माँ ने, आमीन, बोला पास्टर आपने बोला मेरी बेटी 2 महीना प्रेग्नेंट है अभी। नवंबर दिसंबर में डिलीवरी हो जाएगी, हालेलुया। पास्टर आप जो बोला सही हो गया। मैं बोला वो तो परमेश्वर को है, मेरा इज्जत बचाने के नहीं बचाने, मैं तो खुद ही मार देता हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। ओ जिंदा है, बोलो जिंदा है, जिंदा है, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। बोलो हालेलुया। हम लोग ये नहीं देखेंगे सामने वाले का मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलता है, हालेलुया। सामने वाले को डॉक्टर ने क्या बोला है फिर सोच समझ के, अच्छा डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट अच्छा है, अच्छा तो हो जाएगा जाओ। डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट खराब है, फिर मुझे भी नहीं विश्वास नहीं हो रहा है, हालेलुया। बोलो हालेलुया। नहीं आप बोलो यहोवा का रिपोर्ट, प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। यहोवा का रिपोर्ट बोलना जरूरी है, यहोवा क्या बोलता है। कितने विश्वास कर रहे हैं आज?
आमीन। सो हमने देखा आज कि परमेश्वर अपने भवन को क्यों छोड़ के चला गया, और छोड़ के जाने के बाद उन लोग की लोगों की हालत क्या हो गई, खराब हो गई। आमीन। उन लोग दुनिया के देशों में तितर बितर हो गए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उन लोग सताए गए, प्रॉब्लम में आ गए, परेशानी में आ गए, लेकिन आज हम जाने कभी छोड़ने का नहीं इस यहोवा को। हालेलुया। जब तक जिंदा है, जब तक जान में जान है, उसकी आराधना करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, उसको हाई प्रायोरिटी देंगे अपने जीवन में। बोलो हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, बाइबल कहती है हफ्ते में एक दिन को पवित्र मानना है। हफ्ते में एक दिन को क्या करना है, बाजू वाले को बोलो, ये संडे पवित्र माना ठीक नहीं है, मतलब इतना ही काफ़ी नहीं है। हालेलुया। अइज़या 58:13 पढ़ेंगे। यशा 58 अध्याय 13वां वचन। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। विश्राम दिन को क्या नहीं करे, आज आईपीएल है, क्या करोगे, देखोगे, क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, अशुद्ध नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। देखो बहुत सारे मसीह लोग हैं इंडिया में, लेकिन उनकी हालत खराब है। बोलो हालत खराब है। और उन लोग बोलते हैं, ओ पावरफुल परमेश्वर हमारा है, उनकी हालत खराब है। वो जो बातें बाइबल में लिखी उनके साथ नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि उन लोग वचन तोड़ रहे हैं। अगर तू विश्राम दिन को पवित्र माने, परमेश्वर कहता है आगे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी कर, उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी मत करना। हालेलुया। झाड़ू मारते मत बैठना, कपड़ा धोते मत बैठना। हालेलुया। साफ सफाई करते मत बैठना। उस दिन को परमेश्वर के लिए रिजर्व रखना। हालेलुया। आमीन। उसको पवित्र माने और अपनी मर्जी पूरा ना करे। अपनी मर्जी मतलब हो सकता है मैच देख रहे, आप नहीं देखेगा तो मैच नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। हालेलुया। बाद में देख लेना, रिप्ले देख लेना दूसरा दिन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जन को टेंशन आ गया, मेरा पास्टर मैच पे हाथ डाला आपने। हालेलुया। बहुत बुरा किया। हालेलुया। आमीन। और कुछ लोग अच्छा अच्छा खाना बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। आमीन। आगे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर। विश्राम दिन को ऐसा मत करना, अरे आज कुछ नहीं कर सकते यार, सैड बोलते हैं, बाहर का कुछ नहीं करने का, लेकिन आनंद मनाने का, मुझ में आनंद मनाने का, मुझ में आने का और बोलने का मैं हैप्पी हूं। हालेलुया। आज मैं नहीं देखने को। हालेलुया। यहोवा के भवन में आने का टाइम भी हंसते आना है। आमीन। कभी कभी कोई बहुत गुस्से में आते हैं, क्या हर संडे आना पड़ता है, कितना गर्मी है। हालेलुया। कितना क्या है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप अगर 24 घंटा उसको दोगे तो खुशी से कलीसिया में आओगे। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आगे, यदि तू उसका सम्मान करके, उसका सम्मान करके आनंद मनाएगा, उसका सम्मान करेगा, आगे, उस दिन अपने मार्ग पे ना चले। उस दिन अपने मार्ग पे नहीं चले, अपना ही काम नहीं करे, मोबाइल में बैठ के, व्हाट्सएप में बैठ के, फेसबुक पे, हालेलुया, टीवी देख के, आगे, अपनी इच्छा पूरी ना करे। अपनी इच्छा पूरी मत करना, आगे, और अपनी ही बातें ना बोले। अपना ही बात बोलते मत रहना, आगे, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। सुखी होगा। आमीन। अगर तू हफ्ते में एक दिन परमेश्वर को देगा 24 घंटा, उसको पवित्र मानेगा, तो तू क्या होगा, कितने को सुखी बनना है। सुख तो परमेश्वर देता है। सुख कौन देता है, जोर से बोलेंगे। हालेलुया। सुख पैसे से नहीं आता, ये चीज याद रखो। पैसा रहने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता है, लेकिन सुख यहोवा देता है। जिसका जीरो बैलेंस है उसको भी सुख देता है। आमीन।
और जिसका फुल बैलेंस है उसको भी नहीं देता, ऐसा भी है, लेकिन यहोवा सुख देता है। हालेलुया। तो तू यहोवा के कारण क्या होगा? बोलो सुखी होगा। बाजू वाले को बोलो आप सुखी होगे। आमीन। केवल इसके लिए नहीं कि आप दो ढाई घंटा इधर बैठ रहे, नहीं, यहोवा की नजर आपके ऊपर रहेगी। यहां से आप निकल रहे हो, क्या कर रहे हो, देखते रहेगा, रिक्शा में चढ़ा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, घर में जाके क्या कर रहे हैं, तुम्हारा चेहरा भी देखेगा, तुमको भी देखेगा। हालेलुया। आगे, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस हफ्ते में एक दिन को पवित्र मानोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलाऊंगा। बोलो हालेलुया। बोलो ऊंचे स्थानों में चलाएंगे। कितने चलना चाहते हैं ऊंचे स्थानों में? वाव, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग चलना चाहते हैं, लेकिन ये भी करना पड़ेगा, ये छोटा काम है। पहले छोटा काम करो, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। बोलो हालेलुया। मैं तुझे देश की ऊंची स्थानों पर क्या करूंगा? लेकिन क्या करना? अभी ये नहीं किया रहेगा ना, ये करना, एक दिन को पवित्र मानना, शनिवार रात को 12 बजे से संडे रात को 12 बजे तक, या शनिवार शाम को 6 बजे से संडे शाम को 6 बजे तक, शनिवार सूर्यास्त से संडे सूर्यास्त तक, जैसा आप पकड़ो, लेकिन 24 होना चाहिए। हालेलुया। कितने मानेंगे आज से? ओ धन्यवाद, मैं आशीर्वादित हो गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप अगर ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आशीष, यहोवा जिंदा है। बोलो यहोवा जिंदा है। देखो यहोवा सच में जिंदा है। हमारी शाम को रोज 2 घंटा प्रार्थना चलती है। एक बच्ची यहां पर बैठी है, उसके पिता ने बोला, यहां पर उनको बताया, वो घर में झगड़ा करती थी, उसके आंग में कुछ आ जाता था, रात को रोज झगड़ा करती थी। उसके पिताजी ने 12 लाख रुपया खर्चा किया। कितना? और बोलता है मैं पूरा बर्बाद हो गया। आमीन। सब जगह उन लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से, तो दरगाह अबीरगाह सब जगह, और सब जगह गए, ऐसा नहीं कि केवल उधर। हालेलुया। और पूरा बर्बाद हो गया कितने साल से। लेकिन आज वो लड़की हर दिन 2 घंटा प्रार्थना में आती है, और वो खुद गवाही देती है। हालेलुया। वो प्रार्थना करने के क्या उसके अंदर सवार था वो प्रार्थना, लेकिन एक दिन वो अचानक, मैं दूसरे को उसको बिठा रहा था, उसको नहीं दे रहा था, मैं बोला ये इसके ऊपर तो सवार है, ये क्या प्रार्थना करेगी, लेकिन एक दिन बोली पास्टर मैं प्रार्थना करूंगी, बोला हाँ, और खड़ी होगी, बोली ये पिता परमेश्वर, मैं बोला बाबा 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 परमेश्वर, तेरी तो महिमा अपरंपार है। हालेलुया। ना हमने नींबू काटा, ना मिर्ची काटा, ना बकरा काटा, कुछ नहीं काटा। हालेलुया। यीशु के नाम में छुटकारा है। हालेलुया। कुछ नहीं किया हम लोग, कुछ नहीं किया। आमीन। बस रोज 2 घंटा प्रार्थना है, उसमें वो आके बैठती है। हालेलुया। सारे रिक्वेस्ट, अलग अलग लोगों के रिक्वेस्ट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी हाथ रख के नहीं, घर पे जाने का टाइम एक बार उसके सर पे हाथ रखते जाओ। हालेलुया। अभी कितनी अच्छी है, अभी भी आके बैठी है। प्रेज द लॉर्ड। खड़ी हो जाओ जरा अपनी जगह पे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वाह, यहोवा जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। अब इनका पिताजी बोलेंगे पहला ही मुझे मालूम होता। हालेलुया। मैं कहाँ कहाँ भटके, मेरा पूरा बर्बाद हो गया। उसका पिताजी कितने तो लाख, 15-20 लाख के ऊपर उन्होंने गया, उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया पूरा, क्योंकि इसके पीछे लेके भागो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तेरे सब काम सफल हो गए। दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, आमीन, जैसा यहोवा है। आमीन। और वो आपका परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आज से आपने उस पर भरोसा किया है, इसके लिए वो देश के ऊंचे से ऊंचे गलियारों पे चलाएंगे। कितने विश्वास करते हैं?
कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आप खड़ा रहकर फोटो निकालोगे? कितने विश्वास करते हैं ऐसा? देखो, आप विश्वास करोगे तो ऐसा होगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ, हालेलुया, तो मेरा फोटो आएगा, फिर आप देखे क्या लाइक करोगे खाली? खाली आपको लाइक करने के लिए चुना है? बोलो हालेलुया। क्या करोगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुझे देश की ऊंचे गलियारों में चलाऊंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गॉड महान है, बहुत बड़े बड़े काम आपके जरिए मेरे जरिए करने वाला है, विश्वास करते हैं? इसके लिए घर में से कसरत करके चर्च में आना, हमेशा सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी डेस्टिनी है। लेकिन आप ऐसा सोचोगे, अरे यार नाला सुपर में पैदा हूँ, नाला सुपर में मर जाऊँगा, हालेलुया, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे। बोलो हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर भी जब हमसे बात करता है क्या बोलता है? जर्माया, आई हैव प्लान्स फॉर यू, हालेलुया, प्लान्स टू गिव यू गुड फ्यूचर। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या ये उसके लिए था? क्या इसराइल के लिए था? बोलो हमारे लिए भी है। बोलो परमेश्वर के पास प्लान है। तुम्हारा दसों प्लान फेलू आ रहे, कोई बात नहीं, अभी अगला प्लान आ रहा है आपके लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, परमेश्वर का अगला प्लान आपके लिए आ रहा है। बोलो हालेलुया, और वो प्लान फ्लॉप नहीं होगा। बोलो हालेलुया। आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनोगे। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो नौकरी देने वाले बनोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब्राहम के पास कितने लोग नौकरी करते थे कि नहीं? क्यों? परमेश्वर का आशीष उस पर है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दाऊद राजा भेड़ बकरी चराता, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, कितने सारे लोग उसके साथ काम करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए भी एक फ्यूचर है। इसके लिए कलीसिया में आते मुंह लटका के मत आना। हालेलुया, मुंह लटका के मत आना। हालेलुया, परमेश्वर की तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना है। बोलो हालेलुया। वो कैसे काम करे वो आपको नहीं दिख रहा है, हालेलुया, वो आपके लिए रास्ता बना रहा है। बोलो हालेलुया। देखो आज भी मैं भी आपके साथ में हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। बोलो हालेलुया। और आप भी कुछ सोच रहे हो, हालेलुया, लेकिन हमारा भरोसा इसके ऊपर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बोलो अब तक हमने देखा है, कुछ नहीं देखा है। बोलो अब तक हमने देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हम लोग देखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो बड़ी बड़ी बातें हम लोग देखने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, उस पर भरोसा करेंगे। आमीन। वो अच्छा है, वो जिंदा है, हमारी हर एक प्रार्थना सुनेगा। बाइबल कहती है, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, अगर मृत्यु की तराई से भी होकर मैं चलूंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है। हालेलुया। Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Thou art with me, my God. Hallelujah. बोलो हालेलुया। हो सकता है आज आप उस मृत्यु की तराई से चल रहे हैं। पास्टर जब ऐसा बोल रहे तो आप थोड़ा समय के लिए हो रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद ये तराई में मैं आ गया, मृत्यु की तराई, सब लोग घेर लिया, कर्जदारों ने घेर लिया है, नौकरी में परेशानी, घर में परेशानी, बाहर जाएगा तो भी तूफान, अंदर जाएगा तो भी तूफान। हालेलुया। तो जिंदगी में क्या करना है ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस पर इंतजार करो, उसकी आराधना करो, उसकी भक्ति करो। हालेलुया। उसकी बातों को मानो। आमीन। और वो आपको उस अंधकार से बाहर निकालेगा। हालेलुया। उसकी रोशनी आप पर चमकने वाली है। हालेलुया।
कितने जन भरोसा करते हैं आज से? तो कितने जन खुशी के साथ हर संडे आएंगे, हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए? आमीन, बोलो हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा सब भाई लोग सूट पहन के बैठे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारी बहनें लोग भी पॉश में रहेंगे एकदम, बोलो हालेलुया। जो उनकी मर्जी है, उनका अलग अलग ड्रेस कोड होगा। हालेलुया, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ऐसा होगा कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं, जबरदस्ती का नहीं, उनके पास उतना होगा तब वो आएंगे आशीष के साथ। बोलो हालेलुया, क्योंकि हमारा दर्शन बहुत बड़ा है। बोलो बहुत बड़ा है। पूरे भारत के लिए एक हमको ऐसी कलीसिया बनना है जो रोल मॉडल, आपको ये सोचना है पूरी भारत के लिए मुझे एक रोल मॉडल विश्वासी बनना है। एक विश्वासी ऐसा होना चाहिए। आमीन। आपको देख के पूरे भारत के लोग सीखेंगे। बोलो हालेलुया। कितने तैयार है? ये बात आपके साथ होने वाली है जल्दी। आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। समथिंग समथिंग होने वाला है। हाँ, इसलिए मुझे मेरे अंदर रुक नहीं रहे हो। हालेलुया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कोई भी आए, कोई भी जाए, आपको फर्क नहीं गिरेगा। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पावरफुल बनाएगा। बोलो हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करते परमेश्वर को धन्यवाद देते। आज हमने सुना कि परमेश्वर ने अपने भवन को क्यों छोड़ा। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए छोड़ा कि लोगों ने जानबूझकर गलती की, जानबूझकर उसको उकसाया। आज मैं दुआ करता हूँ, पिता हमारे कोई भाई के हाथ से, बहन के हाथ से ऐसी गलती ना हो, उन्हें ऐसी बुराइयों से बचा प्रभु, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ब्लेस कर तेरे बच्चों को, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। सब लोग बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू।